दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन और साथ साथ आइकन बेल को भी प्रेस करें। रोलिंग मोशन में क्या बताया था हमने कि सम ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी आर कॉल्ड रोलिंग मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई टी प्लस क्या लिखा था हमने, ई आर। इसका फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर, इसका हाफ आई इंटू ओमेगा का ये रखा था। फिर हमने क्या किया, हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया हमने, वी स्क्वायर बाई टू को क्या कर लिया कॉमन, तो एम प्लस आई इंटू वी स्क्वायर आई अपन आर का स्क्वायर ये मिलेगा। बोलिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एम से मल्टीप्लाई कर दें, वी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम इंटू आई अपन आर का। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एम से मल्टीप्लाई कर दें या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एम से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर एम और यहाँ पर एम कॉमन ले लें तो हाफ एम वी का स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा वन प्लस आई अपान आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर। अब इसको हमने बताया था कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम के का स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस एम के का स्क्वायर अपन एम आर का, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपन आर का। हमने कहा था कि यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर अपन आर का, वेयर बीटा इज कॉल्ड रोलिंग फैक्टर। यहाँ तक बात हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इस ई को हम कहेंगे क्या, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी या टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब वो बॉडी जो भी हो सकता है, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हालो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हालो सिलेंडर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग का ई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू बीटा। अब हमने क्या कहा कि परसेंटेज, नाम लिया परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इन अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इन अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज के फॉर्म में बताना चाहते हैं, किसके फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ई टी, टोटल काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, ई से। बोलिए, इज इक्वल टू ई टी इज इक्वल टू हाफ एम वी का, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू रोलिंग, ये दुनिया से वन अपन क्या मिला, रोलिंग फैक्टर, वन अपन रोलिंग फैक्टर। तो ई टी अपन ई इज इक्वल टू वन अपन बीटा, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्या वन प्लस के स्क्वायर अपन आर का, तो यहाँ पर रखोगे वन प्लस के स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ठीक है, परसेंटेज में बनाना है तो ई टी अपन ई इंटू वन
100 is equal to 1 upon beta into 1 R. 100 is equal to R square upon R square plus K का square into 1 R. 100. ये मिला percentage of translatory kinetic energy in a total kinetic energy of a body. आप समझ में? बोलिए. अब जैसे मान लीजिए रिंग का पूछता है, किसका नाम लेता है? रिंग का. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर का सेम एज द हालो, सेम एज द हालो होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? सेम एज द हालो सिलेंडर. तो इसका कोफिशियंट क्या है? वन. बोलो ना. तो बीटा इज इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर अपन आर का. तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू. अब यहाँ पर निकालना है ET अपन E इंटू 100, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपन बीटा इंटू 1 हो जाएगा. को राइट साइड दिखता नहीं दिखता? तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50%. कितना हुआ? 50%. तो इसका मतलब अगर आपका पूछता है कि ER अपन E इंटू 100 कितना होगा, तो इसको भी क्या कहेंगे? 100 में से 50 सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आएगा? 50 आएगा. तो ER अपन ET निकाला जाए, कैसे निकालेंगे? ठीक है, ER अपन ET को समझे आप. तो अब क्या कहेंगे? ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा. अब सेकंड पॉइंट देखें. सेकंड पॉइंट हमने कहा कि परसेंटेज ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, हमने कहा कि परसेंटेज ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी या रोलिंग मोशन, यहां पर हम रोलिंग मोशन कर दें, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, ठीक है? गजब का कंसेप्ट है, बुक में मिलने वाला नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल गजब के मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है? बहुत से एग्जाम में पूछता है, इसको बस ध्यान से समझें आप, ठीक है? और बहुत बुक ढूंढेंगे तो कहीं जाकर मिलेगा. अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू ईटी प्लस ई आर. ईटी प्लस इस ई को अगर हम राइट साइड लाते हैं तो न्यूमिनेटर में जाएगा कि डिनोमिनेटर में जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा. तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा? वन. लेफ्ट साइड क्या बचेगा? वन. तो ये हमने वन, ये ई टी अपन क्या लिख दिया? ई प्लस ई आर अपन क्या लिख दिया? ई. मुझे क्या चाहिए? रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी बट नॉट ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इन अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. तो ई को हम क्या कहते हैं? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. या आप ये भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. मुझे ये चाहिए तो इस महात्मा जी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ओ आर ई आर अपन ई इज इक्वल टू वन माइनस ई टी अपन क्या मिला? ई. आई टी अपन ई इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ई टी अपन ई इज इक्वल टू दिखता कि नहीं दिखता? वन अपन, ये वन अपन बीटा मिला कि नहीं मिला? बोलिए. तो अब परसेंटेज चाहिए हमको. परसेंटेज क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. परसेंटेज ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है? तो ई आर अपन ई इंटू वन हंड्रेड इज इक्वल टू वन माइनस वन अपन बीटा इंटू 100. अब समझ में? इसको इसके फॉर्म में चेंज कर लें. जैसे यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखे हैं, तो यहाँ पर देखें ई आर अपन ई इज इक्वल टू वन माइनस वन और बीटा के वैल्यू वन प्लस के स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर. ये आर स्क्वायर यहाँ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर. तो वन माइनस आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर. ये तो समझ में आया? ओ आर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस के का, ये दुनिया से चला गया. तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस क्या मिला? के स्क्वायर. इसके बिफोर मिला था आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. दिखता नहीं दिखता? बोलिए.
तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी में रेशियो मिल रहा है के स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ई आर अपान ई कितना मिल रहा है, वन माइनस वन अपान बीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के का, मिल रहा कि नहीं मिल रहा है बोलो। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हमने ले लिया सेकेंड। अब परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, परसेंटेज ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे हंड्रेड से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ई आर अपान ई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान बीटा इंटू 100 या के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 100। बात समझ में आ रहा है? तो आप देखिए, मान लीजिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बोलिए, हाफ एम आर का, नहीं एम आर का स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट कितना है 1, उसका चेहरा कितना है 1, ये एम आर स्क्वायर क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ रख 1 माइनस 1 अपन 2, यहाँ पर कितना हो गया 100, 2 माइनस 1 अपन 2 इंटू कितना हो गया 100 इजकल टू 100 अपन कितना हो गया बोलो 50%, कितना हो गया 50%। तो आर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज रिंग के लिए और हालो सिलेंडर के लिए 50% आ रहा है, और ट्रांसलेटिंग काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी में भी कितना आ रहा है 50% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या मिला, ट्रिक, क्या मिला, ट्रिक मिला। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसेप्ट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला, ई टी अपान ई बोलो 1 अपान बीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस क्या मिला के स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट था। और परसेंटेज के लिए ई टी अपान ई इंटू 100 इज इक्वल टू 1 अपान बीटा इंटू 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 100, ये मिला बोलो ना। अब देखें आप परसेंटेज, परसेंटेज आप क्या लिखें, रोटेटरी, रोटेटरी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इन अ टोटल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ऑफ रोलिंग मोशन, इसके लिए फॉर्मूला आया था ई आर अपान बोलो ना ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान बीटा, दिखता कि नहीं दिखता, ओ आर के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ये मिला। ये इक्वेशन ले लें सेकेंड। अब देखिए इसको परसेंटेज में पूछता है, तो ई आर अपान ई इंटू 100 1 माइनस 1 अपान बीटा इंटू 100 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इंटू क्या ले लिया 100। बात समझ में आया? तो अब देखिए अगर हमारा ई आर और ई टी पूछता या ई टी अपन ई आर पूछता, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी में रेशियो पूछता, तब आप क्या करेंगे, आई बात समझ में, तब आप क्या करेंगे, ठीक है, ये बात समझिए। यानी यहां पर हमने क्या किया, ई टी अपान ई यहां लिखा अगेन, ठीक है, अगेन समझे, ई टी अपान ई इंटू ई आर अपान ई ऊपर चला जाएगा, बोलिए। अब देखिए ई टी अपान ई 1 अपान बीटा आया कि नहीं आया है, आ ई आर अपान ई क्या आया है 1 माइनस 1 माइनस 1 अपान बीटा, यही नया था ई आर अपान ई। तो यहाँ पर बीटा माइनस 1 अपान क्या कर देंगे बीटा, तो ये बीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर बोलो, तो इस बीटा को हम ऊपर लेकर चलेगा,
ठीक है, तो बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये है बीटा माइनस वन अपान बीटा, बीटा ऊपर चला जाए, बीटा से बीटा कैंसिल, ई से ई कैंसिल, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मिल रहा है वन अपान बीटा माइनस वन। और दूसरा फॉर्मूला देखिए ये क्या है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल रहा है आर स्क्वायर अपन के का स्क्वायर, अगर वही ई आर अपन ई टी पूछता तो के स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर। तो ये भी एक नया फार्मूला मिला आपके लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ हम हैंड्स एट अ ग्लांस निकालता हूं, हैंड्स एट अ ग्लांस, हैंड्स एट अ ग्लांस। यहां मैं लिखता हूं सीरियल नंबर, यहां लिखता हूं ये बॉडी है और यहां पर परसेंटेज, ठीक है। यहां मैं नोट किया रिंग, रिंग आज जो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों वही किसकी होती है, हाँ। तो यहाँ पर लिख दिया हालो सिलेंडर, क्या लिख दिया हालो सिलेंडर। अब बताइए डिस्क, जो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वही सॉलिड सिलेंडर की होती है कि नहीं होती है, बोलो। अब यहाँ पर लिख दिया हालो स्फेयर, क्या लिख दिया, अब एक आ जाएगा आपका सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। तो ये सब बॉडियाँ हैं, क्या है इनका निकालना है परसेंटेज, क्या फाइंड करना है परसेंटेज, ठीक है। ये वन यहाँ हो गया टू, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया ई टी अपन ई, यहाँ लिख दिया ई आर अपन ई। अब ध्यान से समझे, अब हमको निकालना है ट्रांसलेटरी परसेंटेज, क्या निकालना है, ये परसेंटेज लिख दिया हूँ, या यहाँ पर वन हंड्रेड, यहाँ पर वन हंड्रेड। अब ध्यान से समझे इस बात को, ई टी अपन ई को कहेंगे क्या, ई टी अपन ई को कहेंगे क्या, थोड़ा सा ठीक है ध्यान से समझे, हल्के में ना लें इस टॉपिक को, आप हल्के में ना लें। आप नहीं विश्वास है तो घर जाकर आप अपने पेज पलट लीजिएगा बुक का, बुक का पेज पलट कर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, ई टी अपन ई, ई टी को कहेंगे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ई को क्या कहेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ई आर क्या है रोटेटरी काइनेटिक, आ ई क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो ई टी अपन ई, ई टी अपन ई इंटू 100 कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है वन अपन बीटिया यानी बेटा, इस बेटा को क्या नाम देते हैं रोलिंग फैक्टर, रोलिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, होता कि नहीं होता है, रोलिंग फैक्टर इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर अपन आर का। बीटा क्या कहता है, किसी के चेहरे को पहचानता है उसको पकड़ के लाता है, यानी किसी कोफिशियंट में सम होता है, किसी कोफिशियंट में क्या होता है सम। जैसे मान लीजिए रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर, सेम एज द हालो आई इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, एम एम दुनिया से चला गया तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला वन। अब बीटा इज इक्वल टू देख नजर लाया कर वन प्लस के स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर, होता कि नहीं होता, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, बस समझ में आया। तो यहाँ पर निकालोगे तो ये हो जाएगा 100 अपन टू, कटेगा कितना आएगा 50%। तो यहाँ क्या लिखोगे 50%, बस समझ में आया। अब निकालना ई आर अपन ई, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज निकालना है, तो आप फाइंड कर, या अगर ये पता है आपको तो 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, चेक कर ले बच्चा, चेक कर ले भैया। ई आर अपन ई
इंटू 100 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपन बीटा इंटू 100। दिखता कि नहीं दिखता, ये 1 और बीटा की वैल्यू कितना है 2, किसके लिए? फॉर अ रिंग ओवर हॉलो सिलेंडर, फॉर अ रिंग ओवर हॉलो सिलेंडर। बीटा की वैल्यू कितना होगा 2, बीटा की वैल्यू कितना होगा 2। अब यहाँ पर देख 2 × 2 − 1/2 × 100 दिखता कि नहीं दिखता। अब 2 − 1 क्या करोगे 1, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 100 × 2 कितना आएगा 50। दिखता कि नहीं दिखता? अब चल ये रहा पहला, अब दूसरा चेक करते हैं। कौन चेक करते हैं? दूसरा। तो दूसरा क्या लिए हैं टेबल में? डिस्क ओवर सॉलिड सिलेंडर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क की होगी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड हो, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड हो। तो होता है सॉलिड सिलेंडर या डिस्क मिनिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। यहाँ देखे नजर लगाकर आई इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर होता है, I is equal to mk का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। mm दुनिया से चला गया, k स्क्वायर अपन आई इक्वल टू कितना मिला 1/2। अब बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बोलो कितना होता है 1/2, तो कितना आएगा 3/2 × 2 और 1 3/2। बीटा समझ में आया? बीटा समझ में आया? अब देखिए तो बीटा मालूम हो गया। यहाँ पर देखिए et अपन e इंटू 100, 1 अपन बीटा इज इक्वल टू 1/β × 100। अब बीटा वैल्यू 3/2, तो 2 कितना हो जाएगा 3, या 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 200/3। कटा का देखो 66.67, तो इसको मान ले हम 67 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 67%। तो 67 में 100 में से 67 निकालिए, 33% आना चाहिए ना। चेक कर लेते हैं ई आर अपान क्या हो गया, ई इंटू 100 = 1 − 1/β इंटू 100। ये बीटा कितना है 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा 3, तो 3 − 2/3 बोलो ना, तो ये हो जाएगा कितना 3 − 2 यानी 1। अब 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/3 ये कितना आएगा, आएगा ना। तो जब इसको राउंड अप कर दिए, अधिक था तो इसको बढ़ा दिया ना एक अंक इधर, तो ये कितना आ जाएगा 33%। बस समझ में आया? गजब का कंसेप्ट है लल्ला, ध्यान दे ठीक है। कुछ भी सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये आज का जो टॉपिक है आपके सर जमीन पे बताया नहीं जाएगा, ये किसी कोचिंग में बताया जाएगा, स्कूल में तो बताया नहीं जाता है। जब तक स्टूडेंट ना पूछे तब तक टीचर वहां तक अपना दिमाग नहीं दौड़ाता है। अब बात करता हूं किसका, हेलो हेलो स्पेयर है दिखता नहीं क्या, हेलो लड़के कहे नहीं चश्मे चाहिए, हेलो स्पेयर है क्या है, हेलो स्पेयर। तो हेलो स्पेयर के मेरे से बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एमआर का स्क्वायर, बोलो 2/3 एमआर का स्क्वायर, तो उसका के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 2/3। तो बीटा इज इक्वल टू 1 + k² अपन आर का स्क्वायर फार्मूला होता है 1 + 2/3 हो जाएगा 5/3 होगा। तो यहाँ पर देखें ई टी अपन क्या हो गया ई बोलो ना, ये आएगा 60%, ये आएगा 40%। चेक करता हूँ ई टी इंटू 100 दिखता कि नहीं दिखता, 1/β × 100 दिखता कि नहीं दिखता। अब बीटा की वैल्यू क्या है 5/3, तो यह जाएगा 300/5 करेक्ट। समझ में आया? 60% आया, कितना आया तो ये कितना चाहिए 40%। तो इसको चेक कर आप ई आर अपन क्या हो गया ई इंटू 100 इज इक्वल टू 1 − 1/β × 100 बोलो दिखता कि नहीं दिखता। तो ये देखो बीटा की वैल्यू कितना है 5/3, तो यहाँ 5/3 रखो 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 − 3/5 × 100। अरे भाई नहीं होगा, यहाँ देख बीटा को लोग 5/3 ऊपर चला जाएगा तब 5 − 3/5 बोलो होगा कि नहीं, तब 5 − 3 = 2 ये हो जाएगा 200/5 = 40% आया कि नहीं आया। अब आप निकाल लीजिए किसका, सॉलिड सॉलिड स्फीयर का।
तो सॉलिड स्फीयर के मेन सिस्टम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एमआर का स्क्वायर होता कि नहीं होता बताइए, सॉलिड स्फीयर के मेन सिस्टम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एमआर का स्क्वायर होता कि नहीं होता? होता है ना। तो अब देखिए इसका मतलब कि उसका चेहरा उसका कोफिशिएंट क्या है 2/5, तो बीटा इज इक्वल टू 1+ कैया अपन एरिया बोलो रा के स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर हुआ, याद रखोगे 2/5 तो हो जाएगा कितना 7/5। ये तो हमारा रोलिंग फैक्टर है। क्या है? रोलिंग फैक्टर है। ये क्या है? रोलिंग फैक्टर। तो अब यहां पर रखेंगे वैल्यू, ठीक है। अब ईटी को देखिए, ईटी अपन ई का परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा, ये 100 और बीटा की वैल्यू 7/5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 500/7। कटा कर देखो, हाँ ये लग लो 28, तो ये हो जाएगा कितना 72। तो इतना अप्रॉक्सीमेटली आएगा 72%। आ रहा चेक करो, 71 पॉइंट कुछ आएगा। राउंड अप कर लिया, क्या कर लिया? और एक पता है तो 100 में से इसको सब्ट्रैक्शन कर 28 आएगा। चेक करिए, ये देखो 1 माइनस 1 अपॉन रोलिंग, ये रोलिंग फैक्टर आर डिनोटेड बाय बीटा, आर रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। फॉर्मूला 1+k² / r² होता कि नहीं होता है? होता है ना। अब देखिए इनटू 100 1 माइनस 1, अब बीटा दिखता है, नजर लगा कर देखो ना 7/5, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 7 × 1 100। बात समझ में आया? अब देखिए ये हो जाएगा 7 - 5 / 100। अब 7 में से 5 कटे तो कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 200/7। अब कटा कर देखिए अप्रॉक्सीमेटली 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं रहा है। बात समझ में आया? तो ये रहा हैंड सेट ग्लांस। क्या रहा? हैंड सेट ग्लांस रहा, ठीक है। नोट करें, हाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए कैसे आएगा। कह रहा है इफ अ बॉडी इज इन कंडीशन ऑफ रोलिंग, कोई बॉडी रोल कर रही है, कोई बॉडी क्या कर रही है? रोल कर रही है। Then its translatory kinetic energy is 60% of total rolling kinetic energy. यानी ET upon E 100 is equal to 60%। तो यह जब 60% हुआ और याद रहेगा तो देखो 60% है ना, तो बॉडी क्या होगी? हेलो, तो इसमें देखो ऑप्शन बी है कि नहीं है, अभी देखो मैं दिखाता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा ER upon E into 100 is equal to कितना आ जाएगा 40% होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखो ET upon ER K square upon क्या है, R square upon क्या है? K square। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको 100 कर देते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं 100। बस समझ में आ रहा है? और दोनों का रेशियो निकालेंगे ET अपन E और इसका, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बोलो ना। तो जब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ET अपन क्या मिलेगा? E, बोलो ना, E नहीं ER मिलेगा, इज इक्वल टू 60/100 बोलो, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 मिल जाएगा। अब ET अपन ER इज इक्वल टू R स्क्वायर अपन क्या है K स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा 6/4, 4 इधर चला जाएगा, K को इधर ले जाए या कटा लें, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो ये 2R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3K का
स्क्वायर, ठीक है, वन मिनट सर। अब यहाँ पर टू बाई थ्री, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा के का, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड कैपिटल एम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा टू बाई थ्री एम आर का इज इक्वल टू एम के का। इसको क्या बोलता है लल्ला, आई, क्या बोलता है, तो आई की मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बाई थ्री एम आर का, तो टू बाई थ्री एम आर का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी की होती है, हेलो, स्फीयर की होती है, समझ में आया, दुनिया के किसी भी कोने से बुक का परसेंटेज उठा कर देता है तो आप फाइंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वह कौन सी बॉडी होगी, बात समझ में आया, इट्स ओके।